हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग होचीमिन सिटी में हैं, जो कि वियतनाम का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, सबसे पॉपुलेटेड सिटी है और इकोनॉमिक कैपिटल है। अभी हम जा रहे हैं होचीमिन सिटी का वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल द सियागोन सेंटर। अभी आप हमारे सामने ही है सियागोन सेंटर। अभी आप सियागोन सेंटर का उधर जाएंगे, यहाँ का शॉपिंग का देखेंगे, मॉल में क्या क्या ऑप्शन है। कल हम लोग घूमे थे यहाँ का जो छोटा मार्केट वगैरह है, बेंता मार्केट और आपका सेंट्रल मार्केट। आज हम लोग जा रहे हैं सियागोन सेंटर मॉल। ये हमारा सामने है सियागोन सेंटर मॉल। यहाँ होचीमिन सिटी में एप्पल आईफोन 15 का दाम मुझे बैंकॉक से कम लगा। हमने बैंकॉक का एप्पल स्टोर भी देखे थे और वहाँ रिसेल मार्केट भी देखे थे, उसका हिसाब से यहाँ मुझे बहुत कम लगा। तो यहाँ हो सके तो हम लोग आईफोन 15 बाय करेंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम सिटी सेंटर मॉल में घुस चुके हैं। एक पॉश मॉल है, यहाँ पे आपको वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर लीडिंग ब्रांड मिल जाएंगे। और थोड़ा माइंड में रखिएगा, ये थोड़ा एक्सपेंसिव मॉल भी है। एक्चुअली ये ओनित्सुका टाइगर का ये जो ब्रांड का स्टोर मैं फर्स्ट टाइम देखा, वहाँ पे जो सिग्नेचर इसका जो जूता है, जो शू है, ये 4 मिलियन वियतनामी डोंग का है, मतलब 12,000 अराउंड। इसीलिए वो दुकान में मैं गया। तो यहाँ पे ब्रांड तो बहुत सारा है, इसका आपको कॉपी तो हर जगह मिल जाएगा बहुत सस्ते में, लेकिन इसका ओरिजिनल का हाथ में लेकर फीलिंग ही अलग। तो फ्रेंड्स, ये मॉल तो बहुत ही पॉश मॉल है और पॉश मॉल तो हमने बहुत देखे हैं, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट लुकिंग अराउंड मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका साइड में और एक है सियागोन स्क्वायर करके, तो वहाँ पे थोड़ा सस्ता वगैरह जो अपना इंडियन बाई कर सके। एक्चुअली बड़ा बड़ा ब्रांड यहाँ पे बाई करना बेवकूफ़ी है, वो अपना इंडिया में ही जिसको लेना है वो अच्छा है। तो अभी हम इसका यहाँ से आउट निकल जाएंगे, तो आप लोग एक अराउंड देख लीजिए। फ्रेंड्स, अभी हम सियागोन सेंटर से निकल के सियागोन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक छोटा मार्केट है। तो टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट के लिए ये अच्छा रहेगा, थोड़ा सस्ता वाला मार्केट। तो अभी हम सियागोन स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारा जो सामने ही है, यह है सियागोन स्क्वायर। यहाँ पे आप गारमेंट एक्सेसरीज वगैरह जो लाइफ स्टाइल नीड है यहाँ ले सकते हैं, बैग्स वगैरह सब कुछ है। ये मेनली एक कॉफी मार्केट है, यहाँ पे आपको ज़्यादातर कॉफी प्रोडक्ट मिलेंगे। वियतनाम जो है ये कॉफी के लिए मास्टर टाइप का है, यहाँ पे आपको हर चीज़ का कॉफी मिलेंगे। ये कॉफी मार्केट है, ये बहुत ही कंजेस्टेड टाइप का मार्केट बनाया हुआ है। तो पूरा एकदम नैरो स्ट्रीट वगैरह है, यहाँ पे कपड़े बैग्स आपको इन सब का कॉफी मिलेंगे, शूज यही सब है यहाँ। अभी हम सिटी स्क्वायर मॉल का फर्स्ट फ्लोर में हैं, और फर्स्ट फ्लोर भी सेम एज लाइक ग्राउंड फ्लोर ही है, तो इसी टाइप का सब लाइफ स्टाइल के ही प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेंगे। हाँ, सारे लाइफ स्टाइल का ही प्रोडक्ट आपको यहाँ मिलेंगे, एक्सेसरीज वगैरह। यहाँ पे सारे छोटे छोटे शॉप बने हुए हैं, हर जगह में आपका बार्गेनिंग जरूर करना है। यहाँ पे जो छोटा छोटा शॉप है, यहाँ आपको बार्गेनिंग एकदम मस्ट है और बहुत हेवी बार्गेनिंग होता है। आपको प्रोडक्ट देख के उसको जांचना है पहले, इसको कितना हो सके तो उससे थोड़ा कम ही बताए, जाके फिर निगोशिएबल होके एक करेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ बार्गेनिंग अब वियतनाम में
मॉल छोड़ के आप जहाँ भी जाओ आपको बार्गेनिंग मस्ट है, और बहुत हैवी बार्गेनिंग है यहाँ। ये ऐसी मार्केट है लेकिन यहाँ इतना कंजेस्टेड है और आपका भीड़ भी आज बहुत है, तो हिसाब से आपको गर्मी फर्स्ट फ्लोर में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ। नीचे हम अच्छे तरीके से देखेंगे। गया वियतनाम में अभी तक जो हमारा 3 सिटी का टूर हुआ है, जहाँ भी जाओ आपको कॉपी, लेडीज़ बैग वगैरह भर भर के मिलेंगे, और शूज़। वियतनाम का जो कॉफ़ी शूज़ है ये सेम एज लाइक आपका ओरिजिनल का तरह है। एक्चुअली जो बड़ा बड़ा ब्रांड है ना, सबका हब यहीं से है, यहीं पर बनते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे आपको सेम एज लाइक ओरिजिनल का तरह मिलेगा। हेलो, हाउ आर यू? हेलो हेलो, एक्चुअली आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेना है तो मेरा हिसाब से आप वियतनाम को अवॉइड करें, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का रेट थोड़ा ज़्यादा है जो चाइनीज प्रोडक्ट है। और एक्चुअली मुझे ज़्यादा लगने का मतलब ये भी है, एक्चुअली मैं तो रेगुलरली चाइना जाते रहता हूँ, तो अगर आप यहाँ टूरिज़म पर्पज़ के लिए आए तो दो एक छोटा मोटा ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से तो वियतनाम में इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा महंगा है। और बाकी यहाँ पे आप खरीद सकते हैं शूज़, सबसे बढ़िया आपको शूज़ मिलेंगे, जो भी कॉपी भी होंगे तो एकदम वो आपको ओरिजिनल की तरह लगेंगे, कि एक्चुअली क्या है यहाँ पे सब बनता है, बड़ा बड़ा जो कंपनी है तो इसीलिए ये लोग का कॉपी बहुत ही बढ़िया है। ये वियतनामी कॉफ़ी एंड टी, जो कि बहुत ही फेमस है। ये जो वियतनामी कॉफ़ी होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ये कॉफ़ी बीन्स। यहाँ अगर आप चाहे तो आपको लाइव हार्वेस्ट करके भी देगा ये लोग, हार्वेस्टिंग मशीन। ये जो 3 मार्केट कल से हम लोग विजिट कर रहे थे, सिमिलर मार्केट है, एक है बेंता, एक है आपको सेंटर मार्केट, अरे है आपका सियागोन स्क्वायर और सेंटर मार्केट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब बेंता थोड़ा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन वो बहुत ही पुराना मार्केट है, अगर आप हो ची मिन्ह सिटी आए तो विजिट पर्पज़ में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह मुझे उतना अच्छा नहीं लगा कि जितना सेंटर मॉल में और आपका सेंटर मार्केट में और आपका यहाँ सियागोन स्क्वायर में मिला। यहाँ पे क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन ऑल 3 मार्केट्स यू हैव टू बार्गेन वेरी वेल।
अब फ्रेंड्स अभी हम साइगॉन स्क्वायर मार्केट से बाहर आ चुके हैं, तो ये मार्केट मतलब दो फ्लोर में है और बहुत ही कंजेस्टेड, मतलब छोटा छोटा दुकान वगैरह है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आप वियतनाम का होचीमिन सिटी में आए तो साइगॉन स्क्वायर जरूर विजिट करें, या आपको अपना फैमिली के लिए कुछ लेना हो तो अच्छा ही है। लेकिन एक बात आप माइंड में रखिए, यू हैव टू बार्गेन वेरी वेल। ये अपना दाम उल्टा पुल्टा बढ़ा देते हैं, आपको पहले कोई प्रोडक्ट को जज करना है कि इसका कितना दाम हो सकते हैं, वही हिसाब से फिर आपको बार्गेनिंग स्टार्ट करना है। तो अभी वियतनाम का होचीमिन सिटी में हम लोग बने हुए हैं, तब तक के लिए ये साइगॉन स्क्वायर मार्केट से आपको अलविदा, बाय बाय, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये वीडियो अगर अच्छा हो तो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमको बूस्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए